हेलो फ्रेंड्स, आप जी का साडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अज की वीडियो के असं डिस्कस करांगे मास्टर कैडर के एग्जाम की इंस्ट्रक्शनस वगैरह फॉर द कैंडीडेट्स। वो कि इंस्ट्रक्शनस है कैंडीडेट्स है जोड़े वो अपना एडमिट कार्ड टेस्ट करा के जाओगे या सैल्फ टेस्ट करना पैना, ब्लैक एंड वाइट लैके जाना है, कलर लैके जाना है, नाल कि आई डी प्रूफ लैके जाना, वो सारा कुछ डिस्कस करांगे। तो चलो देखते हैं इंस्ट्रक्शनस टोटल जंस्ट्रक्शनस हैं इन्ह दियाँ, इतने तुम देख सकते हो जो भी इंस्ट्रक्शनस हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं इंस्ट्रक्शनस विच की है। सब तो पहले दसिया कैंडीडेट मस्ट ब्रिंग एडमिट कार्ड अलोंग विद वन आई डी प्रूफ, जिदे विच तुहाडा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशू आई डी कार्ड जिदा आधार कार्ड हो गया, विद हिम हर टू सिक्योर एडमिशन टू द एग्जाम सेंटर। मतलब तुम अपना एडमिट कार्ड कलर भी लैके जा सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी लैके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यह है कि नाल तुसी अपनी कोई भी आई डी लै जानी है जिदे विच तुहाडा आधार कार्ड भी चलता है, पैन कार्ड भी चलता है, वोटर कार्ड भी चलता है, कोई इशूज़ नहीं है, बट यह है कि तुहाडी जो डिटेल एडमिट कार्ड से उही तुहाडी आई डी से होनी चाहिए है। इफ़ अ कैंडीडेट फेल टू ब्रिंग अवब डॉक्यूमेंट्स ही शी वुड नॉट एडमिटेड इन द एग्जामीनेशन सेंटर एंड हीज हर कैंडीडेट कुड बी कैंसल्ड। मतलब उन्होंने एग्जाम नहीं दिता जान दे दूगा जो भी उत्थे पर्टिकुलर स्टाफ है, अगर उन्होंने को उन्हों की आई डी नहीं है, इस करके अपना प्रोपर आई डी प्रूफ लै जो। नैक्सट पॉइंट है जी, देयर शैल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 150 सिंगल रिस्पोंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब 150 क्वेश्चंस होंगे अते उन्हों का एक आंसर होगा दसिया पेपर दे विच, इहदे विच कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं है। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सट्रा राइटिंग ऑन आंसर शीट इन केस ऑफ एक्सट्रा राइटिंग ओएमआर शीट मे बी कैंसल्ड। ठीक है जी, तुसी कोई भी रफ वर्क वास्ते तुहानू शीट नहीं मिलनी, सिर्फ आंसर शीट दे बैक साइड जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन पेपर हुंदा ते एंड विच वाइट शीट हुंदी है उत्ते तुसी कर सकदे हो। ये ध्यान रखियो ओएमआर शीट तुसी प्रॉपरली फिल करनी, अपने बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड प्रॉपर लगानी है, प्लस जिहड़ा भी तुहाडा क्वेश्चन है उहदे क्वेश्चन पेपर दे उपर तुसी रफ वर्क कर सकदे हो, ओएमआर शीट उपर नहीं कुछ भी करना। ये तो चलो कॉमन जी गल है, तुहानू पता ही होना है, फिलहाल फिर भी पॉइंट दसना जरूरी है। पंजवां पॉइंट है, देयर शुड नॉट बी कॉपीड ऑफ कॉपिंग ऑफ एनी काइंड द कैंडीडेट फाउंड इंडलजिंग इन, ठीक है जी, मेल प्रैक्टिस, इंप्रेशन विल बी डिसक्वालीफाइड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन एज पर ला। नकल वगैरह नहीं होनी है, ना ही उत्थे मारियो दसिया, अगर इदा दा कोई केस वगैरह फड़िया गया तो उत्ते लीगल एक्शन किया जाऊगा। नो स्क्रूटनी रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी अलॉट ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है जी, कोई भी यदि रीवैल्यूएशन वगैरह स्क्रूटनी वगैरह नहीं होनी ताड़ी आंसर बुक की, अगर पहले ही तुसी चेक कर लगा तो लगता कि भी पेज वगैरह मिसिंग है, क्वेश्चन पेपर जरा तुम मिलना वो आंसर बुक में तुम्हें पहले ही जरा विजिलेटर होना जी एग्जाम के भी ड्यूटी होनी है, यू कैन आस्क दैम कि प्रॉब्लम है। सतवां पॉइंट देखते हैं, कैंडीडेट इज रिवाइज टू ब्रिंग डार्क ब्लू पेन फॉर मार्किंग आंसरस ऑन मार्कशीट। ध्यान देना, सिर्फ तुसी ब्लू पेन लैके जाना है, और भी बॉल पेन, जेल पेन अलाउड नहीं है ओएमआर शीट से, इस करके तुसी वैले वैसे तो ब्लू तो ब्लैक दोनों चलते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशली ब्लू पेन क्या, इस करके तुसी ब्लू पेन लैके जाना है, खुद लैके जाना है, उत्थों तुहानू कुछ नहीं मिलना, उत्थे सिर्फ तुहानू क्वेश्चन पेपर तो ओएमआर शीट मिलनी है, और कोई भी उत्थों चीज़ तुहानू नहीं मिलनी। अते घड़ी अगर ला के जानी है तो घड़ी बारे देखते हैं, फिलहाल अगे दस्या कि नहीं दस्या, घड़ी तुसी सुइयां वाली पा के जानी है जिहदे विच नीडल्स हुंदियां, स्मार्ट वॉच नहीं पा के जानी, ना ही तुसी डिजिटल वॉच पा के जानी है, ध्यान रखियो इहदा। अठवां पॉइंट है, कैंडीडेट शुड नॉट पोजेस एनी पेपर एक्सेप्ट एडमिट कार्ड इन द एग्जामीनेशन एंड फोटो आई डी प्रूफ इन ओरिजिनल। ठीक है जी, तुसी सिर्फ अपना आई डी जिहड़ी तुहाडे कोल हैगी है, फॉर एग्जाम्पल जिदा मैं है, मैं ही जाना है, मैनू अपना एडमिट कार्ड सिर्फ जिहड़ी मैं आई डी लैके गया लाइक आधार कार्ड, दो चीज़ अंदर लैके जानी है, प्लस एक तीसरा बाल पॉइंट जिहड़ा तुहाडा ब्लू पेन है वो तुसी लैके जाना, इस तो इलावा होर कुछ नहीं लैके जाना। अगर वाटर बॉटल लेनी है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सैनिटाइजर लैके जाना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर मास्क वगैरह पा के जाते हो लैके जा सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। उस तो अगे नौवां पॉइंट देखते हैं जी, कैंडीडेट विल अलॉट टू लीव द एग्जामीनेशन हॉल ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामीनेशन टाइम। जिले एग्जाम पूरा हो जाता है, पूरा टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसे बच्चे को जाने की परमिशन है, पहले बच्चा नहीं जा सकता। अगर ही और शी वांट टू लीव द एग्जामीनेशन हॉल दैन उत्थे जिहड़ा भी इनविजिलेटर उन्हां गल करके सुपरिटेंडेंट नाल गल करके तुसी उत्थों जा सकते हो। बाकी दस्सिया कोविड 19 दी हिदायतां नूं तुसी फॉलो करना ड्यूरिंग एग्जामीनेशन।
ग्यारहवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिहड़ा मैं तुहानू शुरू विच किहा सी कि जिहड़ा तुहाडा एडमिट कार्ड है वह टैसटड होना कि नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। इन केस सिग्नेचर प्रिंटिड ऑन एडमिट कार्ड बिलो अलोंग विद फोटो आई डी नॉट अवेलेबल, मतलब कि अगर ताड़ी फोटो एडमिट कार्ड से नहीं है साइन है अते या ताड़े साइन या सॉरी फोटो ताड़ी विजिबल नहीं है तो कैंडिडेट शुड साइन ऑन द एडमिट कार्ड बिलो द फोटोग्राफ एंड गैट अटेस्टिड बाय गजटिड ऑफिसर बिफोर एंटरिंग इन द एग्जामीनेशन सेंटर। अगर ताड़ी फोटो उत्थे नहीं प्रॉपर शो हुंदी पई है या छोटी है या कुछ प्रॉब्लम है फोटो च, तुसी उत्थे एक फोटो लगा के फोटो दे नीचे तुसी साइन करके किसी भी गजटिड ऑफिसर तो उन्हूं तुसी साइन करा देना है। गजटिड ऑफिसर स्कूल का कोई प्रिंसीपल हो सकता है या कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, डॉक्टर जिदा हो गया MBBS को तुसी टेस्ट करवा सकते हो, इदा दी अगर प्रॉब्लम है तो करा लियो। अगला पॉइंट देखते हैं जी 12वां, कैंडिडेट विल हैव टू रिमूव हिज हर मास्क फॉर वेरीफिकेशन ड्यूरिंग वीडियोग्राफी एंड वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द इनविजिलेटर। तुहानू पता है कि उत्थे वीडियोग्राफी भी हुंदी है, जिहड़े तुसी मास्क वगैरह लाए होने हैं ड्यूरिंग वीडियोग्राफी उन्हूं उतारदे हो, वैसे इंस्ट्रक्शन वगैरह तुहानू इनविजिलेटर दे दूंगे उत्थे। 13वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामीनेशन कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द ओमर शीट एंड एडमिट कार्ड फर्स्ट पेज ओनली टू द इनविजिलेटर। ठीक है जी, जो ताड़ा एग्जाम खत्म हो जाता है, वैसे तो दो कॉपियां होंगे ओमर शीट दी इन्होंने शो नहीं कीतियां, कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर। ठीक है जी, एक कॉपी कैंडिडेट कॉपी होंगी है ओमर शीट की, एक कॉपी उन्होंने को जाती ऑफिस कॉपी, एडमिट कार्ड जड़ा हैगा फर्स्ट पेज ए इनविजिलेटर ने ताड़े को लै लेना, अगर नहीं लैंदा तो तुसी खुद उन्होंने प्रोवाइड कर देना। बाकी दस्या उही पॉकेट बुक्स हैंडबैग बुक्स नोट्स रिटन प्रिंटेड मटीरियल CD डाटा पेन ड्राइव मोबाइल कुछ भी पेपर विच अलाउड नहीं है। ठीक है, उहदा ध्यान रखना। तो बाकी होर देखते हैं 15वां पॉइंट, कैंडिडेट इज वाइस नोट टू ब्रिंग वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम जिदा बैग्स टू द एग्जामीनेशन वेन्यू, सेफ कीपिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी अश्योर्ड, मतलब उत्थे कोई प्रबंध नहीं होना ताड़ी सिक्योरिटी का, जिदा ला लो जी तुसी कोई बैग लै गए बैग दे विच की इंपॉर्टेंट समान है, जमा जुमा का कोई हिसाब किताब नहीं हुंदा उत्थे, इस करके अगर तुसी जांदे हो तो अपनी तुसी गरंटी ते जाना है, समान वगैरह अगर ताड़े कोल हैगा कोई कुलीग वगैरह या नाल लै जाओ उन्होंने दे जाओ। आ दस्सिया भी है रिलीजन सिंबल लाइक कड़ा नहीं होना चाहिए, मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए, कंगना जिहड़ा हो गया कंगा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट किरपान जिदा सिख वगैरह होंगे वो भी नहीं होने चाहिए, ओनली फॉर बैपीटाइज सिख कैंडिडेट्स। ठीक है, जिन्होंने मतलब बैपीटाइज है मतलब जिन्होंने नामदान वगैरह लिया उन्हें तो चलो होंगे ही होंगे उतार नहीं सकते, अदरवाइज सानू पता ही है फिर की होंगे। आर एक्सटेंप्ट एट द टाइम ऑफ फ्रिस्किंग, ठीक है, बाकी यह अलाउड है तो बाकी ये जड़िया चीज़ा है इन्हों का थोड़ा ध्यान देना, रिलीजन सिंबल जड़े है अगर वो बैपीटाइज है तो ये लैके जा सकते हैं, एक्सैप्ट एट द टाइम ऑफ फ्रिस्किंग, वैसे इन्नी होंगी नहीं है जिन्ना इन्होंने ये दसिया सिक्योरिटी वगैरह, इस बार इन्होंने पॉइंट एक्सट्रा ऐड किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नो कैंडिडेट शैल गिव और रिसीव एड फ्रॉम एनी अदर एप्लीकेंट और सोर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस। ठीक है जी, कोई भी तुसी अदर चीज़ किसी होर एप्लीकेंट कैंडिडेट को नहीं लैनी ड्यूरिंग एग्जाम, तो बाकी कोई भी अनफेयर मीनस तुसी उत्थे करते हो तो फिर उदे विच प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम विच। 17वां पॉइंट देखते हैं, इन केस एनी कैंडिडेट इज फाउंड ब्रीचिंग हॉल डिसिप्लिन एंड और फाउंड हैविंग यूज अनफेयर मीन्स वाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्टर्ब द सेंसिटी ऑफ द एग्जामीनेशन हीज हर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड। ठीक है, उसका कैंडिडेट मतलब उसका एग्जाम कैंसल कर देना कोई भी अनफेयर होया, एंड एक्शन डीम फिट विल बी टेकन, तो उत्ते एक एक्शन दिता जाऊगा तो पेनल्टी पाई जाऊगी। ठीक है, बच्चे से जिन्हें ऑफेंस कमिट किया ड्यूरिंग एग्जामीनेशन, तो बाकी बाय द कैंडिडेट शैल बी फाइनल एंड ब्रिंगिंग बाइंडिंग हिम और हर, उन्हों एग्जाम विचों जो भी बाहर कढ़ता जाऊगा। अगला पॉइंट है 18वां इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर ओमर शीट बेस्ड एग्जाम शैल इंश्योर दैट ही शी फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडवरटाइज पोस्ट, मतलब कि ताड़ी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर तुसी ना पोस्टां वास्ते अप्लाई किया, अगर एग्जाम दे रहे हो बेशक तुसी एग्जाम क्वालीफाई कर लेंदे हो, अगर एलिजिबिलिटी नहीं हुंदी दैन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इज हर कैंडिडेचर एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सैटिस्फाइंग द प्रीस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब तुसी एलिजिबल होने चाहिए हैं
मेयर अपीयरिंग इन द ओआमआर बेस्ड एग्जाम शैल नॉट बी प्रैक्ट ए कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट एंड ही शी शैल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर फर्दर सिलेक्शन एंड हीज हर कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड एट एनी लैवल। ये नहीं कि तुसी पेपर देता मतलब ताड़ी सिलेक्शन हो गई है, तुसी किसी भी टाइम मतलब जदों ताड़ी प्रोसैस चलती है कैंडिडेट नूं रिजेक्ट किया जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन विल बी सबजैक्टिड टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन जिड़ियाँ भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिखाई हुई हैं। 19वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ड्यूरिंग हिज हर फ्रिस्किंग एट द टाइम ऑफ ओआमआर बेस्ड एग्जाम। ध्यान देना, सपोर्ट करना, जो भी उत्थे प्रॉपर एग्जाम वगैरह नकल वगैरह मतलब वह ध्यान देना, प्रॉपर एग्जाम देना। बाकी कोई भी टी ए डी ए नहीं दिता जाऊगा। वाइल अपीयरिंग अटेंडिंग ओआमआर बेस्ड एग्जामीनेशन काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेशन वेरीफिकेशन, ठीक है जी, मतलब ला लो कि टीचर है, गवर्नमेंट है या पहले तो जॉब करता वो एग्जाम दे रहा, उन्होंने कोई भी पैसा नहीं मिलेगा आन जान का, जिदा नॉर्मली होंदा है तुहानू पता है। 21वां पॉइंट देखते हैं, इफ इट इज़ फाउंड दैट एनी कैंडिडेट हैज़ फर्निश्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसैस हिज हर अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट विल बी कैंसल टर्मीनेटेड इमीडिएटली। ला लो ताड़ी सिलेक्शन हो जाती है या फाउंड होंदा है कि तुसी अपनी कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट या कोई अदर चीज़ लैके गए ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसैस, या ताड़ा सर्टिफिकेट जाली है तो तुहानू उत्थे ही डिसमिस कर दिता जाऊगा, डिसक्वालीफाई कर दिता जाऊगा, तो एक्शन भी होंगे तुम दसदा, इन्हें दसिया नहीं है ये। बाकी मोबाइल फोन डिजिटल डिवाइसिज ये प्रोहिबिटेड होंगे, कॉमन जी गल है। 23वां पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द एजुकेशन रिक्रूटमेंट वैबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट, कॉमन जी गल है। कोई भी नवी अपडेट आती है वो ऑफिशियल वैबसाइट को फॉलो करते रहना है, तो बाकी कोई भी जी फेक इनफॉर्मेशन है वो आने तो पहले तुम एक बार ऑफिशियल वैबसाइट देखो। 24वां लास्ट पॉइंट है जिद दसिया कि कोविड की गाइडलाइनस में तुम्हें फॉलो करना है, मास्क पाना है, मास्क लै जाओ जी पहले दसदा तुम्हें, मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करनी है, सैनिटाइजर लैके जा सकते हो, जरूरी नहीं है उत्थे भी मेरे ख्याल में प्रबंध नहीं होना, इन्हें हाई लैवल का एग्जाम नहीं है कि उत्थे इन्ना हाई लैवल का ताड़ा प्रबंध वगैरह होए। बाकी है कि अपना समान लै जाओ। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कैंडिडेट विच दे मे कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल, तुम्हें पहले दसता है ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल सैनिटाइजर वगैरह लैके जाना, सैनिटाइजर 100 ml का होना चाहिए और बोटल ढाई अद्धे लीटर की होनी चाहिए है जिते तुम्हें एग्जाम देना है और काउंसलिंग सैशन जोड़ा भी ढा होना है। सो एसी 24 इंस्ट्रक्शनस जो कि बोर्ड ने स्ट्रिकली बच्चों दी हैं, बाकी एग्जाम सेंटर सारे बच्चों के शो हो गए हैं। फिलहाल फिर भी कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी ढे माइंड हों डायरैक्टली मैं वट्सअप पर कॉल कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के वट्सअप नंबर मिल जूगा, बिकॉज ताड़ा एग्जाम आ गया, इन्ना टाइम नहीं है कि वट्सअप पर गलबात हो सके। तो बाकी सारे बच्चों को बेस्ट विशेस, ध्यान ना एग्जाम देना, टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम ढा वधिया होगा। बाकी है कि दूर है ढा एग्जाम सेंटर, टाइम तो निकल जाओ बिकॉज इतने लेट हो सकते हो तुसी। बाकी जड़ा टाइम वगैरह है एग्जाम का तो पता ही है जी, ये प्रॉपर टाइम वगैरह भी तुम दस दिना। फिलहाल पुराना एडमिट कार्ड है मैं हले का जोड़ा हैगा मेन जिदे एड्रैस दसिया होया वो नहीं मैं इतने शो किया। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 है और एग्जाम टाइम 9:30 है, इस करके तुसी टाइम का पुज जाना है, घट तो घट 8:30 तक उत्थे तुसी पुज सकते हो। लेट पुजे दैन फिर तुहानू पता उत्थे अलाउ नहीं करते, वैसे तो कर देंगे है। फिलहाल इतने जो इन्होंने इंस्ट्रक्शनस वगैरह दी उन्हें भी स्ट्रिक्टली दसिया होया कि अगर कोई कैंडीडेट 9 बजे तो बाद आता है गेट क्लोज कर दिया जाऊगा तो उन्होंने एंट्री नहीं मिलेगी। सो इस इंस्ट्रक्शनस में जरूर अपने नीडी फ्रेंड्स नाल शेयर करना सो डैट उन्होंने तक भी जानकारी पुज सके एग्जाम तो पहला और वह भी इंस्ट्रक्शनस नू प्रॉपरली जान सकन। सो अटेंडेंस वगैरह प्रॉपरली फिल करियो, मार्कशीट प्रॉपरली फिल करियो, कोई चीज़ मिस ना छोड़ियो। बाकी बेस्ट विशेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।